हेलो दोस्तों, अभी अभी नोटिस आया हुआ है लोक सेवा आयोग की तरफ से। तो इसमें दिया हुआ है कि सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अग्रिम प्रारंभिक परीक्षाएं स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक पुरुष महिला परीक्षा 2023, सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2023 तथा अपर निजी सचिव परीक्षा APS की ही बात करी गई है। इसमें 2023 शॉर्ट हैंड टाइपिंग व स्टाफ नर्स एलोपैथी पुरुष महिला मुख्य परीक्षा 2023 अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। तो ये मान के चलिए आप लोगों का जो स्किल टेस्ट होना है 9 अप्रैल को जो होना था वो अब इस समय तो नहीं होगा। और इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि कब होगा, तो उसने सीधे बोल दिया है कि संशोधित परीक्षा कैलेंडर शीघ्रता शीघ्र जारी किया जाएगा। और अभी अभी ये नोटिस आया है, 15 मार्च का नोटिस है। जिसको भी ये नोटिस देखना, हमारे टेलीग्राम चैनल रत्नेश सर हिंदी स्टेनो में जुड़ जाइए, तो वहाँ पर ये नोटिस हमने डाल दिया है। और अब तो मुश्किल ही है, क्योंकि अब तो होना नहीं है। तो जितना टाइम आप लोगों के पास बचा हुआ, आप देखिए जो टाइम आप लोगों के पास बचा है उसमें क्या नाम है, मेरिट तो बढ़ेगी क्योंकि लड़कों के पास टाइम ज़्यादा है। और कितना भी कम होगा तो 1.5 से 2 महीने का टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जिनकी स्पीड 50 या 60 के आसपास है वो और अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, या जिनकी कम भी है 30-40 के आसपास भी है तो मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि अब 2-3 महीने का जो टाइम मिलेगा तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो फोकस और केवल स्टेनो पर ही करें, और टाइपिंग जिनकी कमज़ोर है वो भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी फ़िलहाल अभी ये 9 अप्रैल को तो पेपर होना नहीं है, बाकी जब नोटिस आएगी तो फिर हम आप लोगों को बता देंगे। तो सभी लोग इसी चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू।